मेरे से भी प्यार कर लिया करो कोई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो रात के बज गए हैं 1, हम लोग अभी शादी से रिटर्न आ चुके हैं। मेरा मेकअप वैसे ही का वैसे ही है और ये देखिए मेरी मेहंदी की डिजाइन का जो कलर है ना वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये मैंने लगाई थी ना, ये देखो ये भी बढ़ रहा है, तो ये कल तक बढ़ जाएगा। तो हाँ, तो ये रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अपने घर में किस तरीके से खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मेहंदी के ऑर्डर्स ले सकते हैं, अच्छी कोन बनाकर सेल कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ यही सारी बातें शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, किस तरीके से मैंने अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है। इंशाल्लाह मैं भी ये स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर सक्सेस हो जाएगा तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो कहीं शाबा शाबा। तो बस आप सब लोग दुआ करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो मेहंदी तो आप बना के भेज, लेकिन अगर कहीं मेहंदी बेचते बेचते आपको ऑर्डर आ जाए 3,000, 4,000, 2,000 का, तो आपका तो और प्रॉफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले ना आपको मेहंदी बनाने भी आना चाहिए, साथ में मेहंदी अच्छा लगाने भी आना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, आपका इंप्रेशन बनता है कि वो मेहंदी वाली है, मेहंदी वाली है। तो उसी से मेहंदी लो और उसी से मेहंदी लगवाओ, तो इससे आपका ना डबल प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो मैं अब किस तरीके से बना रही हूँ आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ, और खुद का बिजनेस भी मैं स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। अगर इंशाल्लाह हुआ तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी और अपना सारा सेटअप मैं आपको दिखाऊँगी। तो दोस्तों पता है आपको, मेहंदी के बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है, आप घर बैठे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन 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 अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो कोई भी आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। इसके लिए आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा बनाना पड़ेगा, और उसका मेहंदी में तो सबसे चीज़ यही होती है कि मेहंदी की कोन जो नोक होती है वो अच्छी होना चाहिए, साथ में उसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें आपको ख्याल रखना है, ध्यान देना है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये देखो मेरे दांत बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिसमें आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या आपको भी ऐसी कोन बनाना सीखना है? ये जो कोन है ना मैंने घर में बनाई हूँ एकदम आसान तरीके से, आपको पता है। और इसका मैं कलर आपको दिखाती हूँ, कोन भी मैंने बनाई हूँ और मेहंदी भी मैंने बनाई हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर। ये जो है ना मैंने कल लगाई थी, और ये देखो कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। ये देखो नूरी को देखो, मेरे में तो रंग ही नहीं आया, कुछ प्यार ही नहीं करता। मैं प्यार करती हूँ ना, देखना तू तेरे से कोई प्यार करता, मैं से देख कल ही लगाई आज ही पूरा खत्म हो गया। मुझसे सब प्यार करते, मेरे YouTube फैमिली मुझसे बहुत प्यार करते। मेरे से भी प्यार कर लिया करो कोई। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए एक प्लास्टिक, एक कैंची, एक टेप और एक टाचनी, अगर आपको ज़रूरत है तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, आप अपने हिसाब से जो पन्नी का साइज़ है वो ले सकते हैं। अगर आपको बड़ी कोन चाहिए तो आप बड़ी ले सकते हैं, छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप फोल्ड करिए, फोल्ड करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आप एक काम करिए, एक बार जो वेफर वगैरह होता है ना उसकी पन्नी का प्रैक्टिस करिए कोन बनाने का, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो मैंने पहले पेपर जो वेफर की पन्नी होती ना उसी से मैंने बनाना स्टार्ट करी थी। ये देखिए इसका जो मतलब बारीकपन है बहुत ही अच्छा निकल रहा था, यानी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो रही थी। आप चाहे तो टाचने का भी यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप मेहंदी की कोन बनाते हैं ना तो उसकी नोक आपको ना बारीक रखनी है, पतली रखना है, ठीक है। और मेहंदी को ना कभी भी ढीला रखना है, अगर आप टाइट मेहंदी रखेंगे ना, टाइट कोन बनाएंगे ना, इससे क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा मेहंदी पेस्ट जो होता है ना वो वेस्ट हो जाता है और ख़राब हो जाता है, और वेस्ट हो जाता है तो आप क्या करेंगे, फेंकने में ही जाएगा। तो अब यहाँ पर ना मैं अपनी अम्मी को मेहंदी लगाने जा रही हूँ, अम्मी सो रहे हैं और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसका जो टेक्सचर है ना कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट निकल रहा है और कितने अच्छी तरीके से इसका लाइन निकल रहा है। ये देखिए अम्मी का हाथ है, और अम्मी के हाथ में मैं गुल्फ डिज़ाइन लगाने वाली हूँ, और या तो फिर दुबई डिज़ाइन लगा दूँगी, अभी मैंने डिसाइड नहीं की हूँ। ये देखिए मैं आपको एक लाइन निकाल के दिखा रही हूँ। मेहंदी जितनी पतली और जितनी स्मूथ होती है, जितनी सॉफ्ट होती है ना, उतने अच्छा कलर और उतना अच्छा ही शेड आता है। ये देखो मेरी अम्मी किस तरीके से सो रहे हैं, देखो देखो सो रहे हैं, और मुझे बोल रहे बता दे कि सो सो की मेहंदी लगा रहे। आपकी भी अम्मी ऐसी सो जाते हैं क्या मेहंदी लगाने के टाइम पे? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अभी मैं मेहंदी लगाऊंगी और फिर मैं दिखाऊंगी कि कैसे लग रहा है।
तो देखिए, अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, आपका मेहंदी कोन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बाजार से जो मेहंदी कोन लेते हैं ना, कभी कभी वो ड्राई होती है, सूखी होती है और अच्छी भी नहीं होती है। और आपको प्रैक्टिस के लिए ना बिना कलर वाली कोन होती है उसका ही यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ ना, एक यहाँ पर प्रैक्टिस कोन भी मिलेगी, साथ में यहाँ पर आपको मिलेगी कलर वाली कोन। तो माशाल्लाह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो मेहंदी मैंने लगा चुकी हूँ। ये देखो ना, अम्मी सो गए हैं और अम्मी ने हाथ पूरा मोड़ दिए, तो ये पूरा ख़राब हो गया। इस वजह से मुझे ना सोते सोते मेहंदी लगाने ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये देखो, जब आपकी नोक पतली रहती है ना, तो आपकी मेहंदी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है और ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। देखो कितनी सारी मेरी कोन बच गई है। अभी भी इसमें मालूम पूरा एक हाथ में लग जाएगा और एक पीछे, मतलब दोनों हाथ में लग जाएगा, इसके अंदर इतनी कोन बनी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने पीछे लगाई हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है, इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है, शेडिंग वगैरह भी बहुत अच्छा आ रहा है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मेकअप लुक और साथ में मेहंदी का पेस्ट बनाने का तरीका, कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको ऑनलाइन मेहंदी क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मुझे आज जाना था शादी में, तो मैंने क्या करी, 5 मिनट पहले आपको ये फेस पैक लगाना है। इससे क्या होगा ना, आपका फेस पे इतना ज़्यादा ग्लो आएगा ना कि आपका मेकअप एकदम उठ के आएगा और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन ये रेमेडी मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ और ये मेकअप लुक भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठंडियों में आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, कम से कम 7 से 8 घंटे तक आपका मेकअप टिका रहेगा। और कम से कम सस्ते से सस्ता और चीप से चीप मेकअप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।